Good morning everyone, welcome to our academy, India's largest internet platform. So, we will talk about the technical buffing. Next question that is from the chapter AMA propagation of the subject electromagnetic theory. Okay, so before starting the session, let me introduce myself. This is Saket Verma and I have done MTA from IIT Guwahati in the year 2010 in the signal processing. So, अभी आपको किसी कोई भी अगर signal processing लेने के लिए confused हो रहा है तो उसे discuss कर सकता है. I am having more than 10 years experience in the field of GATE and ESE and I have trained more than 25,000 students in this field and I take subjects like a communication system, EMFT and advanced communication system and physics for Airport Authority of India. So, communication or EMFT, अगर मैं GATE की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो लक्ष्य पैच है वो GATE के लिए है तो अगर हम GATE पे फोकस करें तो GATE के जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन और EMFT ये दोनों सब्जेक्ट पे मेरे 10 years के एक्सपर्टीज है मेरा. तो इसका मतलब है कि मैं थोड़े बेटर वे पे समझता हूँ इस चीज को कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पिछले 10 या 20 साल या 25 साल में पूछे जा रहे हैं और उसको मैं एक आपको अच्छा आइडिया दे सकता हूँ कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस तरीके से प्रिपेयर करना बेस्ट रहेगा. और जो वेटेज है कम्युनिकेशन और यूनिवर्सिटी का वो 25 मार्क्स के अराउंड हो चुका है गेट में. तो ये आपका 1/4 पोर्शन रखता है पूरे गेट का है, ये 25% वेटेज ये दो सब्जेक्ट में है और इसके लिए आप पूरे मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, है ना. आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन मेक श्योर योर 25 मार्क्स इन दिस टू सब्जेक्ट. अगर आप मेरे को ज्वाइन करोगे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में यूजिंग द कोड साकेत है तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और साथ में आपको ये दोनों सब्जेक्ट में पूरा का पूरा 100% गाइडेंस मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द टुडेस क्लास. आप इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, सॉल्व करें, उसके बाद हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं. The magnetic field component of an electromagnetic wave propagating through a non-magnetic medium is H is equal to 25 sine 2 into 10 to the power 18 plus 6 x ay cap milliampere per meter. Determine the direction of wave propagation, permittivity of the medium and the electric field intensity. चलिए फटाफट इसका आंसर निकालिए, बताइए. What should be the right answer for all the three questions within the 5 minutes? आप कॉल कर सकते हो, आपके लिए मैं यहाँ पे टाइमर भी लगा देता हूं. चलिए सो सॉल्व करिए विदिन द 5 मिनट्स. ऑल द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व विदिन द 5 मिनट्स. ठीक है, जल्दी 4 मिनट बचे, एक पार्ट एटलीस्ट आपका आ जाना चाहिए था. यस मेघा, द माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका. सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज आल्सो ए इजी क्वेश्चन.
ओके तो चलो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, विद इन द 3 मिनट्स यू कैन सॉल्व ईच पार्ट 1 मिनट, फटाफट सॉल्व करो ईच पार्ट 1 मिनट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, विद इन द 3 मिनट्स ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ऑल द 5 to 6 स्टूडेंट दैट इज दोज आर वॉचिंग शुड सॉल्व, शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन Within the 3 minutes, still we are having 3 minutes. बी क्या है बी, ये मेरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, बी बोल रहे हो, ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके चलिए फटाफट, दोस्त आर वाचिंग नाउ, जल्दी जो लोग लेट हो गए वो लोग भी अभी सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी आपके पास 2 मिनट है, ये क्वेश्चन को 2 मिनट में भी किया जा सकता है अगर आप एक्सपर्ट हो। इफ यू आर गुड इनफ इन द EMT देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 मिनट्स आल्सो। ठीक है 5 मिनट में सभी को ध्यान में रखते हुए दिया हूं, बट अभी तक मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है, ये आप लोगों के लिए चैलेंज की बात है कि आप इस टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, और एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं कर पा रहा है, मतलब आप लोगों का प्रिपरेशन आप लोग सकते हो कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इजी है तो आप आंसर करो। यस साई फटाफट बाकी जो पार्ट टू की कॉल कर लो साई। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, -2x, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट अंकित, आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हो ये समझ नहीं आ रहा। या तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलो आई थिंक नो वन इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर विद इन द टाइम, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, लास्ट 20 सेकेंड्स है, सो लेट्स सी अगर कोई आंसर आ जाता है तो। ओके अंकित सो यू आर फ्रॉम डबल ई, देन व्हाई यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इफ यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रीडिंग द टॉपिक फ्रॉम, बाय स्टडी द टॉपिक फ्रॉम अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी ऐप में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टॉपिक मैं स्पेशली कवर कराया हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना अंकित ये आपको इसरो में पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है तो कोई भी प्रॉपरली आंसर नहीं दिया है तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज दी हुई है, पहला चीज हमको जो दिया हुआ है यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो AY है। ठीक है और यहाँ से मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू जो कि H डॉट है, ये 25 है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर पर मीटर। ठीक है और दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹ रेडियन पर सेकेंड हो गया, और यहाँ से हमको मिल जाएगा बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू 6 रेडियन पर सेकेंड हो गया, रेडियन पर मीटर हो गया, और ये जो एक्स है ये आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ए के की वैल्यू हो गई यहाँ से -ऑफ ए एक्स। ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन का जो आंसर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आएगा -ऑफ।
ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो परमिटिविटी पूछा गया है। सो द परमिटिविटी इज कैलकुलेटेड बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाय 3 रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ लॉसलेस मीडियम। और क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉन मैग्नेटिक, तो नॉन मैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू हो गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ रूट ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से बात बता रखिए 6 ये 10⁸ कैंसिल हो गया और 2/3 रूट ओवर एप्सिलॉन आर। सो वी कैन से दैट दिस रूट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3। तो पहला क्वेश्चन का आंसर था -6 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है रूट सॉरी 3 एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करोगे? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय वेक्टर ई इज इक्वल टू पीक वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी यानी कि 2 × 10⁸ प्लस बीटा एक्स यानी कि 6 और ए कैप। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इसमें हमारे को दो ही चीजें दोनों एक है ई नॉट और दूसरा है ए। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ए वाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा यहां से ए वाई और ये हो गया आपका माइनस ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स क्रॉस ए वाई हो गया ए जेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया ए। ठीक है, माइनस आएगा और माइनस आएगा प्लस हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए ईटा की वैल्यू। और ईटा की वैल्यू लॉसलेस एंड नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए कितना होता है 120 पाई रूट ओवर एप्सिलॉन आर। और 120 पाई रूट ओवर एप्सिलॉन आर आया था आपका 9, √ आया था 9। ठीक है, तो यहां से आ गया 9। √3 हो गया। अच्छा, ये वाला चीज क्या हुआ ना, यहाँ से आएगा 3 9 9 का स्क्वायर आएगा ये 81 आएगा। ये मैंने यहाँ पे ये 81 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसल हुआ 9 कैंसल होके 9 आया, तो रूट ओवर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9 आएगा, उसका पावर कितने लेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 81 आएगा। और ये 81 आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो ये √81 मतलब फिर यहाँ पे 9 रखेंगे तब ये रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू आ गई। अब ई नॉट की वैल्यू निकालना है। सो नाउ ई नॉट इज इक्वल टू ईटा इनटू एच नॉट। सो ईटा की वैल्यू है आपकी 120 पाई डिवाइडेड बाय 9 इनटू एच नॉट। एच नॉट की वैल्यू 25 मिली है। ठीक है, तो ये 25 इनटू 10⁻¹। इसको पूरे में सॉल्व कर दो, ई नॉट आ जाएगा। रिलेटिव फील्ड का भी वैल्यू मालूम है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ई नॉट व्हिच इज 120 पाई × 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 एंड देन साइन ऑफ 2 × 10⁸ प्लस 6 x एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए जेड। ये हमारा फाइनल आंसर।
है, इसको आप चेक कर लेना, इसका आंसर फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये मोर्निंग कॉल मिल रहा है। गुड मॉर्निंग मेंडोजा, ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे करने वाले हैं, है ना। और अनअकैडमी प्लस के जो एडवांटेजेस है वो आपको मिलेगा, यहाँ पे दिख सकता है, ऑनलाइन टाइप क्लासेस, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विजेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, टू सब्जेक्ट एट अ टाइम, डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग बैच, इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव पोल, लीडरशिप बोर्ड, पर्सनल गाइडेंस, क्लासरूम का एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अपने एजुकेटर से, पसंद के एजुकेटर से पढ़ने का मौका, हर क्लास के बाद नोट्स, एक ब्रांच का सब्सक्रिप्शन लेने से हर ब्रांच का एक्सेस, मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम, एडिशनल क्वेश्चन, सीरियसनेस इन टीचिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है अनअकैडमी प्लस में। ठीक है, और आईकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। आईकॉनिक में जितना मैं आपको बेनिफिट बताया उसके अलावा एक पर्सनल कोच आपको दिया जाएगा जो आपकी स्टडी को प्लान करेगा, आपके टेस्ट को एनालाइज करेगा। अगर आप एनालाइज करेंगे और कुछ वीक पोर्शन आता है तो उस वीक पोर्शन का स्टडी बूस्टर अच्छा लगाया जाएगा, इसका मतलब कुछ भी चीज आपका वीक नहीं रहेगा, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और इन फ्यूचर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा जैसा अभी हम लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं। ठीक है, आइकॉनिक 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर, ये सब्सक्रिप्शन है आपके पास ऑप्शन प्लस का। ठीक है, अगर आप 1.5 ईयर में जाओगे तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक पूरा हेल्प मिल जाएगा, सिर्फ गेट तक का मत सोचो, थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन का सोचो, क्योंकि अगर आपके पास आपके ओरिजिनल लेक्चर होंगे जिसको आप देख के रिवाइज कर सकते हो तो वो बेस्ट होता है। क्योंकि अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं NPTEL के लेक्चर को जो फॉलो करता हूँ, कई बार अगर मैं भूल जाता है या कुछ ऐसा होता था तो मैं भी NPTEL के लेक्चर को दोबारा देखता था। तो आपके पास लेक्चर जो है वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए, आप ऐसा मत सोचो कि गेट का एग्जाम खत्म हो गया तो बस हमारा लेक्चर का काम खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद जो इनिशिएटिव्स आएंगे जैसे कि इंटरव्यू के लिए और पोस्ट गाइडेंस, तो और कोई डिफरेंट एग्जाम के लिए, तो वो सब में आपको हेल्प मिलेगा। 100% हम ये नहीं बोल सकते कि हम गेट पे सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि हमको तो सभी का एम होता है टॉप 100 मारा, तो 100 पे तो सिर्फ 100 लोग ही आ पाएंगे, बट अगर किसी का रैंक थोड़ा सा पीछे रह जाता है और अगर उसको उसके पसंद का PSU या IIT नहीं मिलता है और अगर वो दूसरे एग्जाम में प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए आपको लेक्चर होना चाहिए आपके पास, इसलिए ये 1.5 ईयर और 2 ईयर इम्पोर्टेंट है। और आप EMI ऑप्शन पे भी जा सकते हो, है ना, यहाँ पे लो कॉस्ट EMI है और आपको यूज करना है कोड Socket10, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपके पास एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपके पास मेंटर 2 साल तक के लिए रहेगा, है ना। अगर आप मेंटर चाहते हो 2 साल तक, आप स्टडी करना चाहते हो स्मार्ट बोर्ड में 2 साल तक आराम से बिना से, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाना चाहिए जो कि पर्सनली भी मेरा फेवरेट है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बैच की बात करें तो 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये हम लोग की पूरी टीम है और कंट्रोल सिस्टम की क्लास गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गेट 22 गेट 23 के लिए ये सारे बैचेस है। SL बैच गेट 23 के लिए है, इवॉल्व बैच गेट 22 के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है बैच, सेम बैच है, पूरी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी, बट आपको नंबर ऑफ फैकल्टीज इस पे कम हुए बिकॉज इलेक्ट्रिकल के जो कोर है उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट फैकल्टीज मेंबर्स है वो थोड़े से अलग अलग है, इस वजह से वो टीम ज्यादा नहीं दिखी। बाकी ये टीम अपने आप में टॉप है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में मिल सकता है। ठीक है, और बाद में मेरा गाइडेंस तो रहेगा ही इसमें। ठीक है, और गेट 22 और गेट 23 दोनों के लिए ये बैचेस है, और स्कॉलरशिप टेस्ट आज 11 बजे है, अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किए हो आज 11 बजे इसमें तुरंत जाओ एनरोल करो, ये कोड है आपका सर्टिफिकेट है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, मुझे फॉलो करने के लिए आप ये प्रोफाइल पे जाके क्लिक करो, आपको वहां पे बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स मिलेंगे। ठीक है, एंड दीज आर द दिस इज द क्रिएटरीज गेट डबल ई टेलीग्राम ग्रुप, इसमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जैसे कि मैं हर क्लास के पहले शेयर करता हूँ, मैं पॉसिबल होता है तो शेयर करता हूँ, कई बार मैं मिस कर देता हूँ, तो अगर आप वहां रहोगे तो आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे। ठीक है, और दीज आर द इंडिया
नंबर वन यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब करो क्योंकि इसमें सभी में कुछ ना कुछ फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू आदित्य कुमार। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे 2 बजे फिर से न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन एंजॉय योर डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग फॉर योर एग्जाम।